बीपी मंडल सिर्फ एक सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले नहीं, बिहार और भारत में अगर किसी सबसे ईमानदार नेता की गिनती की जाएगी तो बीपी मंडल का नाम सबसे ऊपर रहेगा। और जो ईमानदार है वही समाज की सेवा कर सकता है, ये बात गांठ बांध कर आप रख ले। अगर ईमानदार नहीं है तो वो समाज के लिए सौदेबाजी करेगा जो हो रहा है। हरेक ओबीसी सीट पर एनएफएस हो रहा है, नॉन फाउंड सूटेबल। हरेक ओबीसी सीट को ईडब्ल्यूएस के बैकलॉग में दिया जा रहा है। क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई, और क्यों नहीं एनटीए के चेयरमैन जो कि उस समय भी उसी शीर्ष स्थान पर थे जब मध्य प्रदेश में एक बड़ा घोटाला हुआ था, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। शुक्रिया। जय फूले, जय साहू जी महाराज, जय अंबेडकर, जय मंडल, जय कर्पूरी और जय संविधान। आज मंच पर और सामने जो लोग उपस्थित हैं सभी को मैं शुक्रिया भी कहता हूं, और आज मैं कुछ बातों को आपके समक्ष लाना चाहता हूं जो आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे। कुछ बातें मैं मंच पर बैठे विल्सन साहब के बारे में बता दूं। पी विल्सन साहब सुप्रीम कोर्ट के एक विशिष्ट और बहुत ज्ञान वर्धक और सामाजिक न्याय के लिए हमेशा खड़े होने वाले एक अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं। पूरे इंडिया में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से वो लगातार सामाजिक न्याय के प्रश्नों को आपके समक्ष ला रहे हैं, और आज भी उनका इरादा है कि इस सभा के समाप्ति से पहले एक रेजोल्यूशन पास हो यहाँ जिसको वो नाम दे रहे हैं लखनऊ डिक्लेरेशन, लखनऊ घोषणा। साथ में जस्टिस वीरेंद्र जी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, वो भी हमेशा हर जगह सामाजिक न्याय के प्रश्नों पर उपस्थित रहते हैं। जज नकवी साहब भी लगातार जब से वो सर्विस में थे और अब भी उसी तत्परता के साथ अपने सभी कामों को कर रहे हैं। और डॉक्टर रतन लाल के बारे में मैं, हमारे कलीग हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ ही प्रोफेसर्स हैं जो सही बात बोलने की हिम्मत रखते हैं, उसमें से वो एक हैं, आज सुनेंगे उनको, राजेंद्र वर्मा जी। और सबसे पहले और सबसे अधिक मैं बात करना चाहता था महेंद्र जी का, महेंद्र मंडल जी एडवोकेट का। यहाँ से लेकर चेन्नई तक जिस तत्परता के साथ, जिस विश्वास के साथ उन्होंने एमके स्टालिन से लेकर उदय निधि तक जो बातें रखी वो काबिले तारीफ है। और दिलचस्प बात देखिए, आज उदय निधि जी को आना था यहाँ, और जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये 29 तारीख दिन आपने रखा कैसे, हम लोगों को तो पता नहीं चला। लेकिन कल जब ट्विटर पर पी विल्सन साहब ने बधाई दी कि उदय निधि साहब तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ लिए, तो उन्होंने जो अपनी शंका जाहिर की थी कि मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में लगा हुआ हूँ, तो हमें, मैं समझता हूँ आज पूरे लखनऊ के तरफ से और उत्तर प्रदेश की तरफ से, सर वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट आवर हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू उदय निधि जी, काइंडली कम्युनिकेट आवर कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं सबसे पहले आज माननीय बीपी मंडल जी के बारे में दो तीन बातें कहने के पहले, हमारे जो साथी सामने बैठे हैं और जो साथी अभी आपने जो अपनी तकरीर पेश की, मैं आपको सलाम करता हूं। मैं याद करता हूं फर्क इंडिया के अखिलेश जी का, वो भी हमारे साथी थे, बहुत से लोग बीच रास्ते में बिछड़ते हैं,
उनकी स्मृति को ध्यान में कर रहा हूं आज। बीपी मंडल जी जो रिपोर्ट पेश किए उसकी प्रति मैं आज लाया हूं। तमिलनाडु में द्रविड़ कशकम नाम के एक संस्था है जो एक तरह से डीएमके और आईडीएमके के लिए आरएसएस का काम करती है। वो चुनाव नहीं लड़ती है लेकिन वो तमाम उन मुद्दों पर दोनों पार्टियों के ऊपर अपने अंकुश को बना के रखती है। और उसके महासचिव है वीरामणि साहब, 91 इयर्स ओल्ड। उन्होंने पेरियार साहब के जो स्मृति में वहाँ पर जो सभा एक मेमोरियल है उसके महासचिव हैं। उन्होंने भी कहा कि देश के समक्ष कई मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर पूरे भारत में एक साथ कुछ प्रयास होना चाहिए। संसद में हम बहुत बातें सुन रहे हैं लेकिन उन बातों का इस सरकार पर क्या असर हो रहा है दिख नहीं रहा। सबसे पहले मैं बता दूं कि वोट फॉर डेमोक्रेसी नाम की एक संस्था ने बंबई में एक रिपोर्ट जारी की और बताया कि 2024 के चुनाव में 79 ऐसे सीट्स हैं जो बीजेपी ने नहीं जीती है, जो इंडिया गठबंधन की जीती हुई सीटें हैं जिसको बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी को जिताया गया। और इस तरह से यह सरकार जो केंद्र में है ये एक बेईमानी की सरकार है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। लेकिन उसके खिलाफ भी बोलने में अगर हमें दिक्कत होती है तो मैं समझता हूं कि ये हमारी परेशानी है न कि उस सरकार की। वो तो अपने एजेंडा पर चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो और संसद में बड़ी अच्छा बोले हमारे नेता विपक्ष और भी नेता, लेकिन फिर क्या हुआ, नीट में जो बेईमानी हुई, और सिर्फ SC ST OBC के साथ नहीं हुआ, नीट की बेईमानी उन तमाम मेघावी छात्रों के साथ भी जिनके माँ बाप अपने पेट काट कर उनको कोटा में रखकर पढ़ाते हैं और वो लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। क्या ED और CBI इस पर कोई संज्ञान लिया? क्या संसद में तमाम विपक्ष, सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आई वॉन्ट टू सर पुट बिफोर यू, वाई डिड नॉट एनी पॉलिटिकल पार्टी डिमांड रिमूवल ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर हु इज द किंगपिन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ करप्शन इन एजुकेशन? से क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई? और क्यों नहीं NTA के चेयरमैन, जो कि उस समय भी उसी शीर्ष स्थान पर थे जब मध्य प्रदेश में एक बड़ा घोटाला हुआ था, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तो गिरफ्तार किनको की जाती है? जो लोग सच और सच्चाई के साथ रहते हैं। अभी मैं हमारे कई छात्र बैठे और भी लोगों को आना चाहिए था, वर्मा जी के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन दिक्कत है कि अगर युवा नहीं जगेंगे तो देश में कोई भी परिवर्तन आसानी से आने वाला नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव हो रहा है और कॉलेजेस के भी चुनाव हो रहे हैं। हाई कोर्ट ने इंटरवीन की, शिकायत थी कि छात्र पोस्टर जगह जगह लगा देते हैं और इससे गंदगी उठती है, और हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया कि चुनाव तो होंगे लेकिन वोट काउंट नहीं किए जाएंगे और वोट बंद है बक्सा में, पहली बार हुआ है। कल को कहा जाएगा कि लखनऊ में किसी कैंडिडेट ने कहीं पर कूड़ा फेंक दिया तो अब वोट की काउंटिंग नहीं होगी, अब आप जब तक वो कूड़ा नहीं उठेगा वोट की काउंटिंग नहीं की जाएगी। और क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि हरियाणा में चुनाव, हरियाणा कहाँ है, दिल्ली के पड़ोस में। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव का असर सिर्फ दिल्ली में नहीं होता है, पूरे देश में एक नैरेटिव जाता है और हरियाणा में तो खास तौर से। और हरियाणा की वोट, हरियाणा का इलेक्शन का डेट बढ़ाया गया किनके कहने पर? राजस्थान के एक NGO के कहने पर। सर नो पॉलिटिकल पार्टी हैज अपोज दिस। क्यों नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा
कि चुनाव के तिथि एक एनजीओ के दरखास्त पर क्यों बढ़ाया गया है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव में एबीवीपी बुरी तरह हार रही है, दे आर लूजिंग मिजरेबली, और जिसका असर हरियाणा में हारे हुए बीजेपी पर और बुरी तरह होगा। इसको बचाने के लिए कोर्ट ने कोनाइव किया है, न्यायपालिका ने इस सवर्ण शासकों का साथ दिया जो बराबर देती है, और ऑर्डर पास किया गया कि अगला डेट अब 28 या 24 अक्टूबर होगा, तो देश के युवा पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, जहां कभी आंदोलन हुआ करते थे जब हम पढ़ते थे तो 12.50 रुपये के ऊपर 15 साल तक डीटीसी बस पास का रेट नहीं बढ़ पाया, और आज छात्र मेट्रो से सर जाते हैं कितना देते। एक दिन मेरा स्टूडेंट जब एक कॉलेज फरीदाबाद से आता है, ही पे सर 150 रुपीज पर डे, और गलती किनकी है, उन युवाओं की है। हम तो अपने समय में लड़ते थे, रतन लाल जी याद करें, हर एक मुद्दे पर सड़कों पर हम होते थे, अगर अन्याय हो रहा है, और आज भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन देश के युवा अगर नहीं संज्ञान लेंगे, और अग्निवीर देश के संसद में अग्निवीर का विरोध किया गया, क्या हुआ? तो मैं सर आई वांट टू रिक्वेस्ट मिस्टर सर पी विल्सन साहब दैट सर प्लीज टेक इनिशिएटिव, इफ यू डोंट कम ऑन रोड बुलडोजर्स विल कीप ऑन क्रशिंग द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द पीपल। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल परसों एक आदेश जारी किया है कि जो एक बार आरक्षण लेगा उसको अनरिजर्व कैटेगरी में उसकी गिनती नहीं होगी। ये कहां का कानून बनाया है और आप चुप हैं? देश की बड़ी और राज्य की बड़ी विपक्ष की पार्टी जो देश में अपना कह रही है कि हमने बहुत से सांसद जिता लिए, वो भी चुप है। सड़कों पर क्यों नहीं निकल रहे हैं सर? नीट में अन्याय हो रहा है, हर एक ओबीसी सीट पर एनएफएस हो रहा है, नॉन फाउंड सूटेबल, हर एक ओबीसी सीट को ईडब्ल्यूएस के बैकलॉग में दिया जा रहा है। ओबीसी का जो सीट है आपको नहीं मिलेगा, एडमिशन नहीं होंगे, नौकरी नहीं होंगी, और सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं सभी सीटें लैटरल एंट्री में चली जाएंगी, नो रिजर्वेशन। एग्रीकल्चर विभाग के साइंटिस्ट की एड निकली 650, सबको कहा गया सिंगल कैडर, यानी कि सिंगल कैडर में आरक्षण लागू नहीं होगा, और हमारे नेता चुप भर है। सर वी विल हैव टू कम ऑन स्ट्रीट्स अगेन आई प्लीड, एंड देन देर आर सेवरल केसेस जब खुलेआम हमारे मां बहनों के साथ, बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, उसमें हम लोग चुप हैं। तो सर मेरी विनती है, देर आर इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, नीट की इश्यू है, अग्निवीर का इश्यू है, ओबीसी आरक्षण समाप्त करने का इश्यू है, एससी एसटी के वर्गीकरण का इश्यू है। आप सर एक मुद्दे पर मीटिंग बुलाइए तमाम सामाजिक संगठनों का, और एक कॉल दीजिए। मैं राहुल गांधी जी से भी कहा था, स्टालिन साहब से मैं निवेदन किया हूँ, विल्सन साहब की बात बहुत सुनते हैं स्टालिन साहब, मैं बीपी मंडल के बारे में दो चार बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं मुख्य मुद्दे पर इसलिए आ गया क्योंकि वो बातें आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे लेकिन बीपी मंडल सिर्फ एक सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले नहीं, बिहार और भारत में अगर किसी सबसे ईमानदार नेता की गिनती की जाएगी तो बीपी मंडल का नाम सबसे ऊपर रहे, और जो ईमानदार है वही समाज की सेवा कर सकता है। ये बात गांठ बांध कर आप रख ले, अगर ईमानदार नहीं है तो वो समाज के लिए सौदेबाजी करेगा जो हो रहा है। बीपी मंडल साहब जब मुख्यमंत्री बने
तो बिहार में एक जगह है बेगूसराय, बरौनी रिफाइनरी है, गंगा में तेल का रिसाव हो गया और गंगा में उस रिसाव हुए तेल पर आग लग गई और विधानसभा में एक पूर्व मुख्यमंत्री जो ब्राह्मण थे वो उठकर बोले, संसद के रिकॉर्ड में है, सॉरी विधानसभा के रिकॉर्ड में है, कि अगर शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो क्या हो। अब मैं बता दूं कि जो ये बात बोल रहे थे वो बीपी मंडल के मैनेजर बनने लायक भी नहीं थे, उससे अधिक हैसियत अभी भी हमारे मैनेजर की है। लेकिन आर्थिक आधार पर मिलेगा। गोवलकर साहब ने कहा था, ईडब्ल्यूएस आया, सभी पार्टियों ने समर्थन किया, जो पीडीए के नाम लेते हैं उन्होंने भी समर्थन किया, उनके नेता के सामने जाके मैंने और रतनलाल जी ने विरोध हम लोग किए थे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के साथ खिलवाड़ है। और दो साल पहले जो ईडब्ल्यूएस लागू किया गया है उसके बैकलॉग दिए जा रहे हैं। लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट से केस जीतकर, और मैं राम जेठमलानी साहब को याद करता हूं जिन्होंने वो अकेले सिंगल हैंडेडली वो केस जीता था, उस आरक्षण में कोई बैकलॉग नहीं है। आपकी सीटें खत्म हो रही है, आप चुप रहिएगा, देश जो है बिक रहा है, अडानी लेके घूम रहा है, और इस देश का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो देश के लिए दलाली का काम कर रहा है। अपने साथ किसको ले जाता है? पहले प्रधानमंत्री जाते थे तो पत्रकार जाते थे, अब चार पांच दलाल जाते हैं। और इसका जवाब मिल रहा है, श्रीलंका में उस दलाल को कहा गया है कि बाहर निकलो, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन वहां हुआ है। और मैं तमिलनाडु में था सर, कई शहरों में सीटू का आंदोलन चल रहा था, तो यह आंदोलन तो हम लोगों को करना पड़ेगा। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, बस बीपी मंडल साहब की एक बात को मैं याद करते हुए आपके समक्ष रख रहा हूं कि अभी तमिलनाडु में जो वीरामणि साहब ने मुझे बताया 5 दिन पहले कि पूरे के पूरे पिछड़ा वर्ग आयोग जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे, आरआर भोले थे, जस्टिस आरआर भोले, एलआर नायक, के सुब्रमण्यम और एक और व्यक्ति थे मोहनलाल जी, ये सभी चेन्नई में, उस समय मद्रास था, उनको एक सभागार में उनकी अवगत की गई, उनका स्वागत किया गया और बीपी मंडल ने शानदार भाषण दिया था। डीएमके पार्टी ने जो भी मांग रखी सभी को माना गया, लेकिन वीरामणि साहब ने कहा कि अकेले में जब बीपी मंडल मुझसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तो देश में क्रांति ले आएगी लेकिन इसको लागू कौन करेगा, लागू तो आपको करना होगा। तो अगर देश के सत्ता संसाधन में हमें और आपको प्रतिनिधित्व चाहिए तो हम लोग को तो लड़ना पड़ेगा ही। मैं इन्हीं बातों के साथ पुनः जो आयोजक हैं और ख़ास तौर से जो हमारे साथ चेन्नई में भी थे उन सभी को, और आज जो लोग समय निकालकर सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण पहलू पर आज यहाँ आए, सबको मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए जय संविधान के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।